ये सब पानी रहेगा, गोदरेज खाली करने के हमने कपड़े भी नहीं दिए, ये यहाँ अंदर तक आ गया था बटन, ये नीचे भी दीवार गिली हो गई थी, ये देखो ना यहाँ तक आ गया था। अच्छा इसका तो उससे उसके बाद में लगाने के बाद भी रीजन नहीं मिला, मतलब अपने को ये नहीं आया पानी। अच्छा मतलब ये पेंट दीजिए, इसलिए पेंट दीजिए। आपने आपने ये SBR लगाया, ये SBR आपने कैसे लगाया आप बताओ? ये मतलब मैंने पहले तो इस लिक्विड को एक बाल्टी में खाली करा। हाँ। और बाल्टी में खाली करने के बाद में फिर मैंने मतलब पानी डाला थोड़ा, 1 लीटर या 1 लीटर और पानी डाल लिया, फिर सीमेंट डाल ली 5 किलो व्हाइट सीमेंट, फिर उसको मिक्स कर लिया, और मिक्स करके फिर मैं आपको ऊपर बताता हूँ कैसे लगाया मैंने। ये यहाँ से लगाकर ये वहाँ तक पूरी 60 फीट लंबी लगा रखी है, और ये एक एक नहीं कम से कम 4-4, 5-5 बार ब्रश लगाया अपनों ने, ताकि पूरा माल मटेरियल अंदर उतर जाए। ये साइड में है, ये भी बहुत खतरनाक चिपका, ये लिक्विड भी खुल रहा है। हाँ ये भी खुलेगा। हाँ यहाँ तो लगाना पड़ेगा, और एक अपनों ने उधर भी लगा रखा, वो छोटे एक डिब्बा उधर लगा रखा। भैया यहाँ पे ना आपको और लगाना पड़ेगा है सर, समझ रहा हूँ। अच्छा मतलब गिरती हुई बारिश में लगाया, मतलब असंभव है उस टाइम पे ये रुकना। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी गिरती हुई बारिश में मतलब पानी रुक गया, बहुत भाग्य की बात है। नहीं नहीं आपका बिल्कुल रुक जाएगा पानी, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं मेरे को, अरे यार चालू पानी में बंद हो गया तो फिर तो बंद में तो बंद होना ही है ना। सही। जब चालू पानी में ये बंद हो गया तो बंद में बंद होने में क्या दिक्कत? इसके भी थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा लगाना। ये लगाया था ना मैंने, हो गया सब बंद। ये जहाँ जहाँ भी अपनों ने लगाया नहीं, ये जहाँ जहाँ भी लगाया, ये तो देखते सब बंद कर देता। हाँ ये जहाँ भी अपनों ने लगाया। ये कितना कितना लंबाई में है? ये है ना 60 फीट लंबा है। अच्छा और कितना लगा इसमें? इसमें अपनों ने 5 किलो सीमेंट लगाई और 1 किलो लिक्विड, 1 लीटर ये डाला जी नीचे नीचे। हाँ बहुत ही बढ़िया। और करीब इतना ही पानी भी डाला? हाँ 1 लीटर पानी और 1 लीटर ये। ठीक। वो मौसम था ना, मौसम ऐसे पानी गिर रहा था, उसमें अपन उसको पतला तो कर नहीं सकते जी, अगर वो अगर जैसे कि